फर्जी साधु संतों पर सख्त योगी सरकार। योगी सरकार को शक है कि अयोध्या में कई अपराधी साधु संतों के भेष में घूम रहे हैं। ये अपराधी साधु संतों के बीच ऐसे घुल मिल जाते हैं कि उनकी पहचान करना पुलिस के लिए काफी मुश्किल होता है। साधु संत भी मानते हैं कि उनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे साधु समाज बदनाम होता है। अपराधी साधु समाज में है क्योंकि कुछ ऐसे आ जाते हैं जिससे कि साधु समाज बदनाम होता है। वैसे अपराधियों द्वारा कानून से बचने के लिए साधु संत का वेश धारण करना कोई नई बात नहीं। एक संत ने तो इसे सीता हरण से भी जोड़ दिया। साधु नहीं है, जैसे इतिहास में भी सुना जाता है कि रावण को जब अपराध करना हुआ, जानकी जी का हरण करना हुआ, तो सन्यासी का वेश बना लिया, और उधर कालनेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकना हुआ तो वह साधु का वेश बना करके वहाँ जो है। तो इस तरह ये सरकार ने जो है बहुत अच्छा कदम उठाया है। सुरक्षा के लिहाज से भगवान राम की नगरी काफी संवेदनशील रही है। देश भर के कई राज्यों से आम लोग और साधु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहीं रह जाते हैं। पुलिस अब इन साधु संतों का पूरा ब्यौरा जमा कर रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।